Yes. शंकरा के पश्चात मिश्र पहाड़ी में एक ठुमरी है, याद पिया की आए। इसके पश्चात अंतिम प्रस्तुति शिव स्तुति में एक भजन है, ब्रह्मांड सारा रचा प्रभु तूने यह ब्रह्मांड। Sagamadadani dadamagarisa
सोवर्णे नवरत्नखंडरचिते पात्र
रुद्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविदोरंभा फलम पानकम शाकानाम युत कर्पूर खंडोज्वलम तांबूलमनसामया विरचितम छत्रं चामरयोर्युगं रजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरि मृदङ्गकालहलकला गीतञ्चन्द्रत्यन्तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्सं मया सङ्कल्पेण समर्पितं तव विभो पूजाग्रहाण प्रभो आत्मा तं गिरिजा मते सहचरा प्राणशरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिर् संचार पदयो प्रदक्षिण विधि कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो कर करण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणा जय श्रीं से चल के कार में आ रहे हैं और बिल्कुल आराम नहीं किया है और पिछले 15 दिन से एक अमृत महोत्सव था, शहर के शिष्य थे उनके यहाँ पे जाने के बाद आते हुए गाड़ी में जो एसी था बिल्कुल, अभी खांसी की दवा साथ में है तो भी बिल्कुल, जब ग्रीन रूम में बैठे थे तो खांस रहे थे, लेकिन यहाँ के जो महाप्रभु है महाकाल उनका आशीर्वाद और आपकी सबकी दुआ बिल्कुल बिल्कुल खासी नहीं आए। धन्यवाद धन्यवाद पंडित श्याम गुंजकर जी। दूसरी प्रस्तुति के अंतर्गत विश्वख्यात तबला वादक पंडित नयन गौर जी का तबला वादन अभी हम कुछ ही क्षणों में सुनेंगे। मैं कार्यक्रम संयोजक श्री अजय शर्मा जी से निवेदन करती हूं कि वे पंडित नयन गौर जी को मंचासीन करें। श्री अजय शर्मा, भारत के अग्रणी तबला वादक पंडित नयन गौर जी एक अच्छे सितार वादक भी हैं, विविध भारती पर
पंडित नयन गोजी, मैं संस्कृति संचालनालय भोपाल और माधव संगीत महाविद्यालय उज्जैन की ओर से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पंडित जी के स्वागत के लिए हमारी प्राचार्य वंदना पांडे मैडम से निवेदन है कि वे आएँ और उनका शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। वंदना पांडे मैडम, आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं इंदौर के ही हारमोनियम वादक श्री दीपक खसरावल जी। पंडित जी को यहाँ पाकर हम अत्यंत ही गौरवान्वित हैं और उत्सुक हैं कि वो कब अपना तबला आरंभ करेंगे। मैं पंडित जी का परिचय देना चाहती हूँ। प्रभारी प्राचार्य श्री सुनील अहिरवार सर से निवेदन है कि वे उनका पुष्पहार से स्वागत करें। श्री सुनील अहिरवार सर, कार्यक्रम संयोजक श्री अजय शर्मा जी से निवेदन है कि वे पंडित जी का पुष्पहार से स्वागत करें। पंडित जी के साथ संगत कर रहे हैं श्री दीपक खसरावल इंदौर, अजय शर्मा जी से निवेदन है कि वे उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। पंडित जी का परिचय इस प्रकार है। भारत के अग्रणी तबला वादकों में से एक पंडित नयन घोष अपने सहज कलाकृति, समृद्ध प्रदर्शन, सम्मान प्रतिभा और सौहार्द संगीतकार के रूप में दुनिया भर में उच्च सम्मान से सम्मानित होते रहे हैं। आज के महत्वाकांक्षी संगीतकारों हेतु एक महत्वपूर्ण संदर्भ स्रोत के रूप में सम्मानित उनकी विशाल प्रतिभा और संवेदनशील संगीत उन्हें समकालीन संगीत दृश्य में एक उच्च पद पर रखता है। तबला वादन के लिए भारत सरकार से प्रदर्शन कलाओं हेतु प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार सन 2014 में माननीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में उन्हें व्यापक रूप से एक शानदार एकल कलाकार और एक परिष्कृत साथी के रूप में दिया गया है। इन्हें तबले के फर्रुखाबाद, दिल्ली, अजराड़ा और लखनऊ शैलियों में अनमोल कार्य हेतु सबसे प्रमुख माना जाता है। पंडित जी को अपने स्वर्गीय पिताश्री पद्मभूषण पंडित निखिल घोष जी से गहन और निर्मल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जिन्हें 20वीं शताब्दी का एक संगीत चित्र माना जाता है। इन्हें महान उस्ताद अमजद अहमद जान थिरकवा साहब से भी अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। पंडित नयन घोष के बड़े चाचा प्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री पन्नालाल घोष थे। पंडित जी उस्ताद अहमद जान थिरकवा, उस्ताद अमीर हुसैन खां, उस्ताद जहांगीर खां, उस्ताद हबीबुद्दीन खां, उस्ताद इनाम अली खां एवं अन्य कई महान संगीतकारों को सुनकर बड़े हुए हैं। सन 1974 में यूरोप, ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और मोरक्को आदि देशों के राजधानी शहरों में आपने कार्यक्रम तथा व्याख्यान दिए हैं। दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोहों, विश्वविद्यालयों, रेडियो एवं टेलीविज़न में पंडित नयन घोष जी की समृद्ध प्रशंसा की जाती है। पंडित जी मुख्य रूप से एक सर्वश्रेष्ठ गतिशील एवं प्रभावशाली तबला सोलो वादन हेतु अत्यधिक प्रशंसित है। पंडित जी ने देश के कई उच्च श्रेणी कलाकारों के साथ अद्भुत तबला संगति की है, जिनमें से कुछ नाम हैं पंडित रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खां, पंडित निखिल बनर्जी, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद सलामत अली खां, पंडित जसराज, पंडित बुद्धादेव दास गुप्ता, श्रीमती शरण रानी, उस्ताद आशिक खां, डॉक्टर राजीव तारानाथ, उस्ताद शमीम अहमद खान, उस्ताद रईस खान, पंडित राम नारायण, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, श्रीमती गिरजा देवी, पंडित जगदीश प्रसाद, पंडित दिनकर केंकेणी, पंडित अजय चक्रवर्ती, उस्ताद राशिद खान, पंडित राजन साजन मिश्र, उस्ताद शाहिद परवेज़, पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी,
पंडित विश्वमोहन भट्ट तथा गैलेक्सी ऑफ इमिनेंट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और वोकलिस्ट प्रमुख है। पंडित नयन घोष जी की गणना देश के उच्च श्रेणी सितार वादकों में भी होती है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार हैं। मई 1998 में पंडित नयन घोष को गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया अवार्ड ग्रे डेविस द्वारा लॉस एंजलिस में प्राप्त हुआ। डेविस जी के स्वर्गीय पिता श्री लुइस आर्मस्ट्रांग, ड्यूक एलिंगटन और डेव ब्रूबैक जैसे महान व्यक्तियों के निकट सानिध्य में थे, वैसे ही पंडित नयन घोष सैक्सोफोनिस्ट किट जॉर्डन और न्यू ऑर्लियंस के हेनरी बटलर पियानो वादक, प्रसिद्ध जापानी पियानो वादक योसुके यामाशिता और गिटार वादक काजुमी वाटानाबे, स्विट्जरलैंड के पॉल ग्रांट, ग्रीस के रॉस डेली, यूके के जॉन बेली, एस्टोनिया के राहो लेंगस्टेप, चीन के हुलिंग, बिजान चेरेमनी मोहम्मद रसूल और ईरान के हामिद रजा के संपर्क में रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने कुछ विश्वविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापक के रूप में पढ़ाया है, उनमें केंट स्टेट यूनिवर्सिटी और एमोरी यूनिवर्सिटी प्रमुख है। सन 2016 में नयन जी को अपने प्रतिभावान पुत्र ईशान घोष के साथ यूके के राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी प्रोजेक्ट पर कार्यक्रम हेतु अटलांटा में आमंत्रित किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रैंकफर्टर, अलीगेमेन ट्रिब्यून, डेजेन्यू, कंसास सिटी टाइम्स, द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, टेलीग्राफ एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे शीर्षस्थ समाचार पत्रों में पंडित नयन घोष जी की ख्याति एवं कार्यक्रम के बारे में प्रमुखता के साथ लिखा गया है। वर्तमान में पंडित नयन घोष जुहू मुंबई स्थित संगीत महाभारती के निदेशक हैं। आप कई युवा महत्वाकांक्षी संगीतकारों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आप IIT मुंबई में विशिष्ट अतिथि प्राध्यापक रहे हैं। मानव मूल्यों हेतु सेल में तबला, सितार, संगीत विज्ञान, म्यूजिकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। सितार संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो की कैंट यूनिवर्सिटी में उनके शिक्षण कार्यकाल की अत्यधिक सराहना की गई है। पंडित नयन घोष जी ने अपने स्वर्गीय पिता की महान कृतियों को पूरा होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो संगीत के ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया हैं, जिसे पूरे 50 वर्षों के गहन और व्यापक शोध के बाद सन 2011 में महत्वपूर्ण विश्व में प्रकाशित किया गया था। आप CITI NCPA में गुरु शिष्य परंपरा प्रोजेक्ट में एक प्रमुख गुरु के रूप में हैं। हाल ही में आप इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी द्वारा डॉक्टोरेट उपाधि से सम्मानित भी किए गए हैं। प्रस्तुत है तबला वादन पंडित नयन घोष जी, इनके साथ हारमोनियम संगत कर रहे हैं श्री दीपक खसरावल। नमस्कार, प्रणाम। बहुत मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब, सौभाग्यशाली समझता हूं कि सबसे प्रथम उज्जैन जैसे एक पवित्र स्थान में पहली बार मुझे मौका मिला आप लोगों के सेवा करने के लिए, संगीत का सेवा करने के लिए। दूसरी बात, पंडित भातखंडे जैसे एक महान युग पुरुष, इनके स्मरण में जो भी हम उनके चरण में हम समर्पण कर सकते हैं। और तीसरा, मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट, वंदना जी यहाँ हैं, बहुत अच्छा काम और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम, नहीं के बराबर है सपोर्ट जो आज यहाँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है, कल्चर संस्कृति डिपार्टमेंट। हमारे संगीत, हमारे धरोहर का प्रचार प्रसार
के लिए, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है कि यह चलता रहे और सारे राज्य जो हैं हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के, ये आपसे आइडियल समझ के ये काम को और भी आगे ले जाएं, क्योंकि हमारा धरोहर, हमारा संगीत एक बड़ा मुश्किल समय से गुजर रहा है, जबकि अनुचित प्रभाव चारों ओर से हावी हो गए हैं। ऐसे टाइम पे हमारे शास्त्रीय संगीत और सारे हमारे जितने कला हैं ये जीवित रहे, सशक्त रहे, इसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए। वंदना जी जैसे लोग हमारे हिंदुस्तान में ईश्वर करें और हर राज्य में दें। तीन ताल से शुरू करेंगे। Thank you.